করতে দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ মিশন এমবিবিএস বেস্ট অ্যাব্রড এমবিবিএস কনসালটেন্সি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। গত 10 বছর ধরে মিশন এমবিবিএস মেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্ন পূরণে নিয়োজিত। ভর্তির জন্য কল করুন 9732122744 নম্বরে। প্রতিপক্ষ কে নেতা সুয়েন্দু অধিকারী সহিত প্রতিপক্ষ কে 50 বিধায়কों ने मेरे को एक ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन में उन्होंने पश्चिम बंगाल की भयावह स्थिति का वर्णन किया है और प्रमुख रूप से चार बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। पहला आकर्षित किया है कि पश्चिम बंगाल में पिछले 10 साल में एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कोई कारगर कार्यवाही नहीं हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के नाते, राज्यपाल होने के नाते मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में एंटी डिफेक्शन लॉ 100% लागू है। इट इज एज मच एप्लीकेबल एज इन एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। न्यायिक व्यवस्था इसका पूरा ध्यान दे सकती है। कार्यवाही किसी को शुरू करनी है, सत्तारूढ़ दल करे चाहे प्रतिपक्ष करे, नियमानुसार उसका निस्तारण जरूर होगा। यदि अगर वो निस्तारण नहीं होता है तो भारत के संविधान के साथ कुठाराघात होगा, न्यायिक व्यवस्था उसका ध्यान देगी। लेट नो वन बी इन डाउट अबाउट इट, एंटी डिफेक्शन लॉ इज एप्लीकेबल विद फुल फोर्स इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। दूसरा जो बात कही इन्होंने, तिलजला और चंदन नगर की घटनाएं, दो सांसदों के साथ क्या हुआ, विधायकों के साथ क्या हुआ, ये अराजकता है, अनार्की है। ऐसी परिस्थिति में जिनको कार्यवाही करनी है दे मस्ट एक्ट। नो वन शुड बी इन डाउट दैट एवरीवन इज सब्जेक्ट टू रूल ऑफ लॉ। कोई भी अपने आप को कानून के दायरे के बाहर मानेगा बहुत बड़ी गलती करेगा, कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। पूरे प्रांत से मेरे पास जो जानकारी आई है, मैं स्तब्ध हूं, मैं अचंभित हूं। और 13, 14, 15 मई को जो मैंने देखा कूच बिहार में रन पगली कैंप में और नंदीग्राम में, मेरे आंखों के आंसू सूख गए। स्वतंत्र भारत में जब 2022 में 75वां इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं, इस प्रकार की पराकाष्ठा, इतनी दुर्दंगी की हो जाए, वायलेंस का ये तांडव नृत्य हो, ये कल्पना नहीं कर सकते। वायलेंस और प्रजातंत्र साथ साथ नहीं चल सकते। प्रजातंत्र के साथ किसी भी प्रकार का समझौता होना भारतीय संविधान का अनादर है। और मेरा दायित्व है, मेरी शपथ का हिस्सा है, मेरा वचन है, संविधान के राज में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। मैं लोगों का आह्वान करता हूं वो किसी भी तरीके से डिसअपॉइंट ना हो। मुझे उनके दुख की कल्पना है, मुझे उनके संकट की जानकारी है, मुझे पता है उनको कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है। नंदीग्राम में उस जगह जाने के लिए मुझे मैं पैदल गया, टू व्हीलर पर गया, थ्री व्हीलर पर गया, और मैंने क्या देखा मेरी आंखों के सामने, मेरे से गुहार लगा रहे हैं, मेरी माता और दादी की उम्र की महिलाएं गुहार लगा रही हैं और वो कह रही हैं हमें इतना प्रताड़ित कर दिया कि जीने के लिए, पासपोर्ट टू लाइफ के लिए हम हमारा धर्म परिवर्तन कर सकते हैं।
This cannot be allowed in a secular country like ours. The state government, I request them, I request officials of the state government to fully act in accordance with law. They must give up their partisan approach. एक बार भाई साहब आप कर लें, सुनिए इनको दिखाइए मेरे को, आप कर लें, आप निरंतरता से करते जा रहे हैं, कितना अनुरोध करूं आपको, आप इस गंभीरता को भी नहीं समझना चाहेंगे कि आदमियों की नींद हराम हो रही है, दुनिया के किसी कोने में नहीं हुआ, वो यहां पर हो रहा है, मीडिया फोर्थ पिलर है, मैं जहां जहां गया मैंने 3 सवाल पूछे, पहला सवाल पुलिस में क्यों नहीं गए, एक ही जवाब था, सबका एक जवाब था, पुलिस में फरियादी बनकर जाएंगे, मुजरिम बनकर वापस आएंगे, और उसके बाद हमारे साथ क्या होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते मामी। दूसरा मैंने पूछा, क्या सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति आया, तब कोई नहीं आया। तीसरा हाथ जोड़ के कह रहा हूं, क्या कोई मीडिया का आदमी आया, क्या प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कोई आया, कोई नहीं आया। मैं आप लोगों से एक प्रश्न करता हूं, नई सरकार को आए हुए कितने सप्ताह हो गए, 6-7 सप्ताह हो गए, क्या मुख्यमंत्री का कोई बयान आया है? इतनी बड़ी त्रासदी है, इतना बड़ा तांडव नृत्य है वायलेंस का, सुन सुन कर लोगों को परेशान किया जा रहा है, एक ही आधार पर आपने दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र में वोट देने की हिमाकत क्यों की अपनी मर्जी से, हमारे खिलाफ वोट क्यों दिया, ये कैसे हो सकता है? क्या कहीं दौरा किया मुख्यमंत्री ने, मंत्रियों ने, अधिकारियों ने, क्या वहां जाकर आंसू पोंछे, जिसके घर में मौत हो गई है, जिसकी बच्ची का बलात्कार हुआ है, जिसका घर आगजनी के अंदर स्वाह हो गया है, पूछा, देखा आपने? ये मीडिया को कह रहा हूं मैं, आपसे कोई चीज छिपी हुई नहीं है, आपने कुछ भी उजागर नहीं किया महानुभाव, आप इतने शांत हो कि आपका डर देखकर आम आदमी का डरना लाजमी हो, इतना मत डरो कि डर के कारण डर की चर्चा नहीं कर पाओ। कहीं हो सकता है ऐसा कि कोई बिल्कुल कदम नहीं उठाएगा? इन्होंने और बातों की ओर ध्यान दिया है, SC ST पर बड़ा प्रहार हुआ है, SC ST कमीशन ने इसको उजागर किया है, दोनों कमीशन से ऐसी जगह ऐसे अत्याचार देखने को मिले हैं जो अकल्पनीय है। कितने लोग मारे गए, इस राजनीतिक हिंसा के शिकार हो गए और सरकार के कान पर चूनी रेंग रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे होने का एक ही कारण है, जब सरकारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी अपने दायित्व को छोड़कर, अपने कानूनी रास्ते को छोड़कर एक पार्टीजन अप्रोच ले लेते हैं, वो ऐसा का कदम उठाते हैं जो पूर्ण रूप से राजनीतिक है, ये संभव नहीं। सत्ता परिवर्तन होना स्वाभाविक है, सत्ता का कंटिन्यू होना भी स्वाभाविक है। 4 प्रांत और 1 यूनियन टेरिटरी में चुनाव हुआ था, आसाम में सत्ता कंटिन्यू हुई, पश्चिम बंगाल में सत्ता कंटिन्यू हुई, तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन हुआ। आप चिंतन कीजिए, चिंता कीजिए, पश्चिम बंगाल अकेला रक्त रंजित क्यों है? बदलाव भी देखा है लोगों ने तमिलनाडु में, कंटिन्यूटी भी देखी है आसाम में, यहां ऐसा क्यों है? मानव अधिकारों को कैसे बलि पर चढ़ाया जा सकता है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का उत्तरदायित्व है, दोनों का बहुत बड़ा महत्व है, दोनों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि
हम जन कल्याण के काम करेंगे। चुनाव से पहले उम्मीदवार होता है, चुनाव के पश्चात वो जन प्रतिनिधि होता है, वो उनका भी प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने उसको वोट दिया या नहीं दिया, उसको सबको एक नजर से देखना पड़ता है। इसका मैं पूर्ण अभाव देख रहा हूं। मैंने विधायक महोदयों से बात की है, मैं उनको भी कहता हूं, सत्तारूढ़ के विधायकों को भी कहता हूं, सबको भारत के संविधान के अनुरूप काम करना है, किसी को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग प्रशासनिक अधिकारी पुलिस अधिकारी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, सत्तारूढ़ दल के पक्ष में काम कर रहे हैं, अपने दायित्वों को तिलांजलि दे रहे हैं, मुझे कहते हुए कोई शंका नहीं है, दे आर प्लेइंग विद फायर एंड दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। राज्य का प्रथम सेवक होने के नाते मेरा प्रयास है, मैं आपके माध्यम से सबसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं, रक्त रंजित बंगाल हमें ठीक नहीं लगता है, किसी को ठीक नहीं लगता है। इस भूमि में वायलेंस का कोई स्थान नहीं है। यहाँ के महापुरुषों का जो मार्गदर्शन दुनिया देख रही है उसका अनादर यहाँ नहीं होना चाहिए। कभी गुरु ने जो कल्पना की थी, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, राज्यपाल की हैसियत से मैं जानता हूँ किसी का भी माइंड विदाउट फियर नहीं है। यहाँ फियर क्वोशेंट बहुत बड़ी है, फियर क्वोशेंट इतनी ज्यादा है कि प्रजातंत्र आखिरी सांस ले रहा है, एंड वेयर हेड इज हेल्ड हाई, हाउ कैन हेड बी हेल्ड हाई, आर्सन लूट किलिंग्स रेप वापस आ रहे हैं, उनसे वसूली चालू की जा रही है, एक्सटोर से मनी ली जा रही है। मेरी गुजारिश रहेगी हर प्रबुद्ध जन से, हर सरकारी कर्मचारी से, सरकार में बैठे लोगों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपका दिल पसीजना चाहिए, आपका दिल धड़कना चाहिए, आप प्रजातंत्र को आखिरी सांस में नहीं ला सकते, उसका जीवित रहना आप और हमारे लिए जरूरी है। मैं मानकर चलता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जरूर आवश्यक कदम उठाएंगे। बहुत से लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि महामहिम राज्यपाल आप कब तक ट्वीट करते रहोगे, कब तक आप गुजारिश करते रहोगे, कब तक आप इंतजार करते रहोगे, कब तक इस उजाड़ को देखते रहोगे, कब तक इस अत्याचार को बर्दाश्त करते रहोगे। मेरा प्रयास जारी है, आपका राज्यपाल आपको किसी भी तरीके से निराश नहीं करेगा। मेरे को उम्मीद है कि सकारात्मक रवैया सरकार अपनाएगी। सरकार को एक मैंडेट मिला है, राज करने का मैंडेट मिला है, उनको भारत के संविधान के तहत रूल ऑफ लॉ के तहत राज करना चाहिए, उसके दायरे के बाहर जाकर यदि वो कुछ करते हैं तो सिस्टम को विवश करेंगे, मुझे विवश करेंगे, और मैं नहीं चाहता कि मैं व्यवस्था में आऊं। मैंने बहुत बार कहा है आपको, आज कहता हूं, मेरे में इतनी बर्दाश्त क्यों है, मेरे आंसू सूख गए फिर भी मैं क्यों आशावादी हूं। एक साधु महापुरुष एक बिच्छू को जो पानी में डूब रहा था, उन्होंने बिच्छू को बचाने के लिए अपने हाथ से बिच्छू को पानी से निकाला और बिच्छू ने डंक मारा, जहरीला डंक मारा, उस दर्द से बिच्छू फिर पानी में गिर गया। ऐसा कई बार होता रहा, साधु महाराज ये कार्य करते रहे, बिच्छू डंक मारता रहा। किसी ने पूछा, महाराज जी आप ये कब तक करते रहोगे। मैं साधु महात्मा नहीं हूं, मैं उतना गुणी व्यक्ति नहीं हूं, पर उनसे सीख तो ले सकता हूं। साधु महाराज ने क्या कहा, जब ये बिच्छू डंक मारने की बुरी आदत नहीं छोड़ रहा है,
तो मैं इसके प्राण बचाने की अच्छी आदत क्यों छोड़ती? आपके राज्यपाल पर बहुत डंक मारे गए, आपके राज्यपाल के बारे में जो कुछ कहा गया और गेट पर आकर कहा गया, पुलिस प्रशासन चुप, सरकार चुप, मेरे में बहुत डंक बर्दाश्त करने की ताकत है, पर मेरा लक्ष्य और उद्देश्य एक है, हम पश्चिम बंगाल को बर्बाद नहीं होने दें। वी कैनॉट अलाउ पश्चिम बंगाल टू बी ऑन फायर, वी कैनॉट अफोर्ड टू हैव इट रणजीत। इसलिए मैं हर आदमी से आग्रह करता हूँ, पश्चिम बंगाल के हित को ध्यान में रखते हुए जो भी व्यक्ति कोई योगदान करना चाहता है उसे गुजारिश करता हूँ, ही मस्ट रिफ्लेक्ट, वो अंदर से सोचे, विचार करे, चिंतन करे। और 5 मई को मुख्यमंत्री ने शपथ ली, शपथ के दौरान मैंने उनको आगाह किया कि बंगाल रक्त रंजित हो रहा है, आप कदम उठाइए, नहीं उठाइए। 17 मई का वो दिन है जिसे भारत का संविधान कलंकित हुआ है, मेगा करप्शन के अंदर जिन 4 लोगों को अरेस्ट किया गया, सीबीआई उनको अपने दफ्तर ले गई, सीबीआई का काम कानून के दायरे में था, आपने क्या नजारा देखा? माननीय मुख्यमंत्री तो राज्य के गृह मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने शपथ ले रखी है, माननीय मुख्यमंत्री की शपथ का हिस्सा क्या है? मैं संविधान के अनुसार काम करूंगा, मैं कानून के अनुसार काम करूंगी, आई विल अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। वो मुख्यमंत्री वहाँ 6 घंटे तक गई, वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस से उन्होंने कैबिनेट मीटिंग प्रिजाइड की और वहाँ उन्होंने क्या कहा, इनको छोड़िए वरना मुझे गिरफ्तार कीजिए। क्या कोई कल्पना कर सकता है किसी भी डेमोक्रेटिक देश में, किसी भी कानून के राज में ऐसा पद पर बैठा हुआ व्यक्ति यह आचरण करे? मेरा सिर उस दिन शर्म से झुक गया। बाहर नजारा क्या था? सीबीआई के दफ्तर को सीज कर लिया गया। क्या मतलब धारा 144 का? लोग इकट्ठे हो रहे हैं, पुलिस ऑन लुकर की तरफ देख रही है और सेंट्रल फोर्सेस पर अटैक किया जा रहा है। इतनी बड़ी अराजकता, कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को इस भयानक स्थिति को देखकर मैंने फोन किया टू एंश्योर क्वेश्चन इज नॉट आउटरेस्ड, रूल ऑफ लॉ इज नॉट डिसरिगार्डेड। थैंक यू सो मच। বেনারসির 3 অধ্যায়, রাজখরানা, রামনগর, অমঙ্গল, বেনারসি, শাহাটিক স্টাইল।